691 किलो गांजा पुलिस ने किया बरामद। ट्रक समेत गांजे की कीमत 1,60,00,000 रुपए। ब्रा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे के कासर वडौली पुलिस ने भारी मात्रा में ट्रक सहित गांजा जब्त किया है। पुलिस को सुबह 3 बजे भोर में सूचना मिली कि घोड़बंदर रोड के पास एक ट्रक खड़ा है। जब मौके पर पुलिस पहुंची और जब ट्रक की तलाशी ली तो इसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 691 किलो ये गांजा है जो 312 पैकेट में है। जिस ट्रक में ये गांजा बरामद हुआ है वो ट्रक कर्नाटक पासिंग है और चालक फरार है। पुलिस ने ट्रक और गांजा दोनों जब्त कर लिया है और इन दोनों को मिलाकर जो कीमत बताई जा रही है वो 1,60,00,000 रुपए है। मामले की जांच पुलिस आगे कर रही है कि आखिर ये गांजा कहाँ से और कहाँ लेकर जाया जा रहा था और इसके पीछे कौन शामिल है। दिनांक 1/8/2020 करीबन सुबह 3 से 4 बजे के करीबन कर्नाटक पासिंग का एक ट्रक हमें तत्वज्ञान विद्यापीठ के पास में खड़ा है ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें गोपनीय सूत्रों के मुताबिक पता चल गई। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारे सीनियर पीआई राठौर साहब, एसीपी पंकज शिरसाट, पीआई मोटे मैडम, जो हमारे कांस्टेबल्स है पीसी रावते और उनके पूरे सहकारी, उन्होंने वहाँ पे जाके मालूमात की। पूरा जो मक्के का जो कनिस रहता है उसके अंदर पूरा ये गांजा भरा हुआ था। 2-2 केजी के साधारण उनके पैकेट्स उसके अंदर वहाँ पे छुपे हुए थे। बाद में पूरा रीतसर हमने जो ऑफेंस रजिस्टर किया और उसमें पूरा चेकिंग करने के बाद में करीबन 691 केजीज का गांजा हमने उसमें से जब्त किया है। करीबन 312 पैकेट्स हमें उस कार्रवाई के दौरान हमने बरामद किए। करीबन अगर मार्केट वैल्यू अगर उसका देखते हैं तो उसकी कीमत करीबन 1,40,00,000 के तहत के ऊपर उसकी कीमत है और टोटल पूरा वो ट्रक और वो पूरा गांजा मिला के 1,60,00,000 का मुद्देमाल हमने इस कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। सर, कितने आरोपी कुछ यहाँ में पाए गए हैं या और ट्रक के बारे में कुछ मालूम हुई या माल कहाँ से आ गया? ट्रक कर्नाटक पासिंग का ट्रक था और अभी उसमें से जो ड्राइवर था वो फरार है। अभी उसकी पूरे डिटेल्स हम लोग वहाँ से निकाल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आगे जो भी उसमें कौन इन्वॉल्व थे, किस कहाँ पे ये माल जा रहा था, कहाँ से आया था, ये इतना जो पूरा कंसाइनमेंट था कहाँ जा रहा था, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पीआई मुठे मैडम कर रही है और इसके आगे की जानकारी जैसे जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको उस वक्त में